हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये अगला चैप्टर है, चैप्टर फोर्थ, सॉइल पॉल्यूशन, मतलब मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी में कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं, मिल जाते हैं, जाके सब्सटेंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का टेक्सचर, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। प्लांट नहीं, मतलब फसल जो है, फसल नहीं उगती है। सॉइल का पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके की जो दिक्कतें आती हैं मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ में, तो उसी को बोलते हैं हम सॉइल पॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सॉइल पॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ मिनरल्स, सॉइल टेक्सचर बाय डिस्टर्बेंस इन बायोलॉजिकल बैलेंस, पीएच ऑफ सॉइल एंड डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो मतलब जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स और जो क्वालिटी है वो मिट्टी की ख़राब हो जाती है, सॉइल का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, जो बायोलॉजिकल बैलेंस होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, पीएच, सॉइल का पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये कहलाता है मृदा प्रदूषण या फिर सॉइल पॉल्यूशन। तो ये होता किस वजह से, मतलब इनके स्रोत क्या हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं, तो वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप्ड ऑन लैंड। तो जैसे कि देखा है कि जो कचरे का ढेर लगा दिया जाता है, चाहे वो घरेलू कचरा हो या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, मतलब औद्योगिक कचरा हो, तो उसको जब हम लैंड पे ढेर लगा देते हैं, तो जिस जहाँ पे, जिस एरिया में उसका ढेर लगाया जाता है, डंपिंग की जाती है, तो वो वहाँ की जो सॉइल है उसमें पॉल्यूशन हो जाता है और वो मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाती है। सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट जो है वो है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड जो है अप्लाइड किए जाते हैं प्लांट्स और सॉइल पे। मतलब जब जो रासायनिक उर्वरक होते हैं और जो कीटनाशक होते हैं, उनको जब हम पेड़ों पे डालते हैं और स्प्रे करते हैं और मिट्टी में भी डालते हैं, जिसकी वजह से जो कीटनाशक हैं वो ख़त्म हो जाएं, कीट जो कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि वो मिट्टी तक पहुँच जाते हैं और मिट्टी तक पहुँचने की वजह से सॉइल पॉल्यूशन कर देते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो हैं, इनकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। थर्ड दिया हुआ है, इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। मतलब जो ह्यूमंस हो गए और जो एनिमल्स हो गए, तो इनका जो वेस्ट होता है उसका भी इम्प्रॉपरली, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी तरीके से उनका डिस्पोजल हो रहा है, तो ह्यूमन और एनिमल के वेस्ट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च सेंटर। तो जैसे कि जो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल निकलता है, और जो रिसर्च सेंटर हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्चार्ज होते हैं, तो उनकी वजह से भी ये सब आके, जब वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज होके सब आके मिलते हैं मिट्टी में ही, तो मिट्टी में जब मिलते हैं आके, तो उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। जैसे वाटर पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन से भी जो भी पॉल्यूट होके वाटर जो मिट्टी से आके मिलता है, तो उसकी वजह से भी जो है सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ सोर्स थे जिनकी वजह से मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन होता है। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, मतलब मृदा प्रदूषण से किस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है फॉरेस्टेशन, मतलब वनीकरण। तो फॉरेस्टेशन करने का पर्पज़ ये होता है कि अगर हम कहीं पे प्लांट लगा रहे हैं, ट्री प्लांट कर रहे हैं, तो उससे जो है मिट्टी की क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ ठीक से हो रही है, तो इसका मतलब मिट्टी की क्वालिटी ठीक है। तो जो सॉइल पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें वनीकरण करना चाहिए, यानी कि फॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे उगाने चाहिए। सेकेंड दिया हुआ है यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, क्योंकि देखिए जो कीटनाशक हो गए, जो उर्वरक हो गए, उनको डालना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो हम केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, तो उनकी बजाय हमें बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए। तो बायो फर्टिलाइज़र्स का अगर हम यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन से बचा जा सकता है, सॉइल पॉल्यूशन के साथ और भी जो पॉल्यूशन है, जैसे कि मैंने बताया आपको, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, उनसे भी बचा जा सकता है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है अवॉइडिंग नेग्लिजेंसी,
थ्रोइंग अवे ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज गार्बेज ऐश बिल्डिंग मटेरियल एट्सेट्रा ऑन द सॉइल, मतलब जो कचरा है निकला हुआ, जो बिल्डिंग मटेरियल है सीमेंट हो गए, जो ईंट पत्थर कंकड़ होते हैं उनको जो है सॉइल में डाल दिया जाता है, तो गार्बेज हो गया, राख हो गई, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, उनको जब सॉइल में डाल देते हैं तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। तो इनसे भी बचना चाहिए, जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको जो है प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना चाहिए, ऐसे ही मिट्टी में नहीं डाल देना चाहिए जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो। इसके बाद फोर्थ है, केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी। जैसे कि अभी मैंने बताई दिया आपको कि बायो फर्टिलाइजर का मोस्टली यूज़ करना चाहिए, अगर इन केस बहुत ही नेसेसरी है कि केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज़ करने हैं या केमिकल्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं तभी उनको यूज़ किया जाए, नहीं तो उनको ना यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर इनको यूज़ करते हैं तो इनकी वजह से जो फर्टिलाइज़र हो गए और जो पेस्टिसाइड हो गए इनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, तो इनको कम से कम यूज़ करने की कोशिश की जाए। तो ये थे कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो आई होप आपको दोनों ही टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।